Hey everyone, what's up? It's me, Nabilshzd, and if you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button and make sure that you the bell icon is there. मेरा सांस रुक गया था. तू बहुत स्लो बोलता है, मेरा सांस रुकता है. मैं स्लो ही बोलूँ. तेज बोल. मैं तेज बोलूँगा. One, two, three. Hey everyone, what's up? It's me, Nabilshzd. And if you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button. Make sure that you the bell icon is there to never miss new videos. So right now we are going to watch the trailer of Sandeep and Pinky Faraar. It's an kya naam hai, Yashraj film. So link description mein hai. Channel ka link sabko description mein. Agar trailer nahi dekha to pehle jaake trailer dekho, fir aage video dekho. Acha ye movie starred hai Arjun Kapoor aur Parineeti Chopra. Aur ye movie ki shooting hui thi 2017 mein. Release ho rahi hai 2020 mein. 3 saal ka gap liya ja raha hai kyunki is 3 saal ke duran inki pehli movie flop ho gayi thi, isliye inhi pichli movie flop ho gayi thi jo thi Namaste England. जो कि नमस्ते लंदन का सीक्वल था जिसमें अक्षय कुमार नहीं थे, तो लोगों ने कहा भाड़ में जाए. सॉरी लोगों ने नहीं पसंद की, तो इस वजह से यशराज बैनर काफी वेट कर रहा था. बड़े प्यार से माफ कर देना यशराज बैनर. यशराज में ना गुस्सा दिखा. यशराज बैनर ने फिर इस फिल्म पे होल्ड कर लिया कि हम तो बाद में रिलीज करेंगे क्योंकि अभी इनकी मूवी फ्लॉप हो गई है. अभी जल्दी दूसरी फिल्म आ गई तो वो भी ऑब्वियसली फ्लॉप हो जाएगी. और इन 3 साल के गैप में अल्हम्दुलिल्लाह अर्जुन कपूर ने बहुत कुछ गेन किया है वेट के साथ साथ. क्योंकि जब मैंने इसका पोस्टर देखा ना, नहीं खान साहब की बहू भी गेन की है. जब मैंने इसका पोस्टर देखा ना, तो उस दौरान ना मैंने कहा यार ये अर्जुन कपूर इतना पतला क्यों लग रहा है, अर्जुन कपूर ने कहीं वेट लूज तो नहीं कर लिया. लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो पता चला कि नहीं, अर्जुन कपूर पतला इसलिए लिख रहा है क्योंकि वो 3 साल पहले बनी. और तभी जब मैंने रिसर्च करा तो मुझे याद आया कि मुझे याद है ये संदीप और पिंकी फरार की जब शूटिंग चल रही थी, तो मुझे यानी कि न्यूज मैं पढ़ता रहता हूँ, तो न्यूज में आ गया था ये कि इनकी मूवी की शूटिंग चल रही है. अच्छा, इनके नाम से ना मुझे एक फिल्म याद आ रही है, बंटी और बबली. वो भी यशराज बैनर की ही है और बंटी और बबली का पार्ट 2 भी आ रहा है. बंटी और बबली देखिए पहली बारी? नहीं. बंटी और बबली बड़ी अच्छी फिल्म है, 2003 में आई थी आई गेस. उसमें थी रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन. ठीक है, बंटी और बबली 2 आ रही है अभी, उसका पोस्टर उन्होंने रिलीज किया. मैंने देखा नहीं है, था मूड मेरा हम देखें लेकिन टाइम नहीं मिला. उसका पोस्टर तो नहीं देखा, लेकिन जो मैंने न्यूज पढ़ी उसमें यह है कि सैफ अली खान आ रहे हैं उसकी जगह पे, क्या नाम है उसका, अभिषेक बच्चन की जगह पे. तो पता नहीं सीक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको सबको पता है बॉलीवुड सीक्वल के मामले में कैसा है. सीक्वल नहीं होते, एंथोलॉजी फिल्म होती है. सो बहुत कुछ बोल लिया मैंने. तो बाय द वे ये डार्क कॉमेडी है, यानी कि डार्क कॉमेडी. पता है डार्क कॉमेडी मुझे बड़ी अच्छी लगती है और बहुत कम होती है हॉलीवुड की तरफ से, तो बहुत ज्यादा होती है. लेकिन क्या नाम है, बॉलीवुड में डार्क कॉमेडीज बहुत कम बनती है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द मूवी एंड ट्रेलर एज वेल. सो लेट्स फर्दर डू, माइट रियली जंप इनटू द ट्रेलर. ये लास्ट वाले सीन ने इमोशनल कर दिया यार. यू सेड डोंट हर्ट. ब्लैक कॉमेडी है, कॉमेडी वैसे दिखी नहीं है ट्रेलर में इतनी ज्यादा, लेकिन ब्लैक काफी थी, डार्क थी फिल्म लेकिन कॉमेडी नहीं. शुरू में नहीं समझ आई कि वो जब उनका इनकाउंटर हो रहा था तो कि वो पीछे क्यों आ गया यार. वो इनकाउंटर इनका करना था, लेकिन वो उनको लगा कि अगली गाड़ी में ये बैठे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है कि उनको लगा कि अगली गाड़ी में ये हैं, तो उन्होंने उनका इनकाउंटर कर दिया, इन्होंने भगा ली अपनी गाड़ी. उनको कैसे पता चला कि किसका इनकाउंटर होना है यार? होगा ना मूवी में, सारा ट्रेलर में बता देंगे तो मूवी में क्या. ट्रेलर में लॉजिक तो होना चाहिए. ट्रेलर में लॉजिक है, लॉजिक नहीं है शुरू में सब कोई लॉजिक देते. उन्होंने दिखाया एक सस्पेंस डाला है ना कि पिंकी ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद उसको मार रहे हैं, और जिनके साथ मिलकर उसने काम किया वही लोग मरवा रहे हैं उसको, और ये जिसका फरार हुए बाद में उसी को उसको मारने का ऑर्डर दिया होगा कि इसको मार दे. लेकिन बीच में जब सेक्स आ जाता है तो काम खराब हो जाता है. ट्रेलर तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है. और इस मूवी में नैना गुप्ता है. नैना गुप्ता रिसेंटली हर मूवी में दिख रही है. अभी तो शुभ मंगल ज्यादा सावधान था, उसमें हीरो जीतू की माँ थी. ठीक है, मैंने उसका स्पॉइलरी और नॉन स्पॉइलरी रिव्यू दोनों दिए अपने दूसरे चैनल पे, तो जाके आप देख सकते हैं. लिंक मैं नहीं डालूंगा, इतना वेला नहीं हूं मैं. सॉरी प्लीज देख लो यार, वेले की बात नहीं, टाइम बड़ा लगता है. चैनल का लिंक होगा बेसिकली, नीचे चैनल का लिंक है उस पर जाकर ढूंढ ले आप. हाँ। नबीलशजाद वाले में तो ट्रेलर. अच्छा एक और चीज, अच्छा मैं बता रहा था नैना गुप्ता शुभ मंगल ज्यादा सावधान में एक और मूवी थी बधाई हो, वो जिसमें हीरो की माँ प्रेग्नेंट हो जाती है. देखिए मूवी बधाई हो, हीरो की माँ पर. हाँ मैंने ट्रेलर देखा. हाँ ये भी, ये वो ही आंटी है और रिसेंटली ना हर मूवी में दिख रही है, तो बहुत
शदीद वाली एक्टिव हुई हुई है ये, पहले तो काफी ऐसा दिखी नहीं है, पहले तो काफी ऐसा दिखी नहीं है, यानी कि कितने सालों तक इन्होंने इतने कोई खास प्रोजेक्ट नहीं किया और अभी एक साथ 3, 4, 5, 6 प्रोजेक्ट आ रहे हैं इनके। सही है ना, इस तरह करना चाहिए, पैसा कमा के बाहर निकल जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय। और कास्ट बहुत बड़ी है इसकी, तो इस मूवी में रघुवीर यादव है, मुझे ये बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि बचपन में इनके शो आता था चाचा चौधरी, देखा तुमने? मैं देखता सहारा टीवी पे आता था ये, एक्चुअली मैं मुझसे एक आधा दिन छोटा है ना, तो वो चीजें नहीं देखी जो मैंने देखी हुई है। अकल रह गई धरी की धरी जब बोले चाचा चौधरी, चाचा चौधरी, अब मुझे गाना से याद नहीं लेकिन मैं बोल रहा हूँ। तो ये भी कास्ट में, और इस मूवी में पंकज त्रिपाठी भी है, ये भी बहुत जबरदस्त काम करते हैं, कास्ट बहुत उमदा है इस मूवी की, बहुत जबरदस्त नामी गिनामी एक्टर्स हैं। और सबसे बड़ी चीज ये कौन है, अर्चना पूरन सिंह है फिल्म में यार, कपिल शर्मा के शो में जो इसकी बिस्ती होती है ना, कल वाले एपिसोड में बड़ा अलग। मैं ना कल एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर वो आया होता है, क्या नाम है, पग वाला जो सिद्धू, नहीं नहीं सिद्धू तो बैठता था ना, वो एक जो गाने भी गाते हैं पंजाबी मूवी का, दिलजीत, दिलजीत, तो वो आया हुआ तो कपिल शर्मा शो कहता ये अर्चना जी है ना, इनको नहीं पसंद से ये दस्तार, मुझे बहुत पसंद है, कहती वो क्यों, कहता इनको नहीं पसंद इसलिए सिद्धू जी को भी खा के वहां पे बैठी हुई है। अच्छा कल का जो एपिसोड था ना जिसमें बागी 3 की कास्ट आई हुई थी, तो उसमें ना बड़ा जबरदस्त था, कहता वो नहीं है जो बनती है, क्या नाम, सपना बनती है, वो आगे बोलती है टाइगर सर पहली मूवी में, पहली बागी में आपने अपनी गर्लफ्रेंड को छुड़ा के इंसाफ दिलाया, दूसरी बागी में आपने अपनी गर्लफ्रेंड की बेटी को छुड़वा के इंसाफ दिलवाया, तीसरी बागी में आप अपने भाई को छुड़वा के इंसाफ दिला रहे हैं, चौथी बना के सिद्धू साहब को भी दिलवा दो। यार इतना वो मुझे हंसी आई है ना उस चीज पे, चौथी बना के सिद्धू साहब, कपिल शर्मा शो में जिसमें वो डॉक्टर गुलाटी नहीं मशहूर, वो उनको वापस आना चाहिए, वापस आना चाहिए। और इस पार्ट में ना वो बच्चा यादव बड़ा मशहूर, बच्चा यादव छोटा भाई बच्चा यादव है, ये छोटा कोई भी किड जो भी है, यादव ही है वो भी, यादव वो भी, वो बहुत मजे की, वो भी मुझे मुझे बहुत, वो क्या कहते हैं उसको, सॉक्स को उर्दू में क्या कहते हैं, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अच्छा मैंने रैंडमली बोला, तुमने बहुत मजा आया। अच्छा तो अच्छा बैक टू द ट्रेलर, संजीव मिश्रा भी है, वो भी बहुत नामी गिनामी एक्टर है, सारी कास्ट ही ओवरऑल बहुत अच्छी है। और ट्रेलर के बारे में बात करते हैं, मैं भी बात करने वाला, ट्रेलर शायद अभी नहीं, कास्ट की बात करता, कास्ट बहुत उम्दा है, ट्रेलर मुझे डिसेंट लगा, अच्छा था ट्रेलर, ब्लैक कॉमेडी जैसा कि मैंने पहले बोला मुझे बड़ी पसंद है, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ हूँ ट्रेलर को देख के, ट्रेलर काफी अच्छा था, कॉमेडी एलिमेंट कम था, जैसा कि इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ब्लैक कॉमेडी है, ब्लैक कॉमेडी है, लेकिन ब्लैक तो बहुत है, कॉमेडी कम थी। अब स्टार्ट, तू बता तेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ट्रेलर के बारे में। मुझे जब ट्रेलर स्टार्ट हुआ है ना, उस टाइम मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी कि क्या मतलब, वो आगे उस बंदे को मार रहे हैं, इनकाउंटर कर रहे हैं, और वो पीछे से आके उसको गन ना, वो तो ऑब्वियसली मुझे उस बात की मुझे कोई इतनी नहीं समझ आई, उसके बाद जो स्टोरी चलाई है ना उसमें, जहाँ पे कॉमेडी सीन आया, जहाँ पे वो रहने जाते हैं, उसके अलावा वो चीजें मुझे काफी समझ में आई है कि हाँ वो डार्क कॉमेडी है। उसके बाद जब उसका इनकाउंटर का होता है कि जब उसे मारता है, तो मुझे वो भी समझ नहीं आ रही कि अगर हीरोइन है तो मार तो नहीं, उसको मारेगा नहीं, उसको मारेगा नहीं, ऑब्वियसली हीरो है, हीरो हीरोइन को नहीं मारेगा। मैं क्या सोच, मुझे ऐसे लग रहा था कि उसके पीछे उन्होंने बंदे लगाए होंगे जो कि उसको देखेंगे, हाँ ये उसके साथ नहीं, उसको नहीं, हो सकता है जिनको दिखाने के लिए उसने मारा, उधर देख के बात कर, नहीं तो मूवी में दिखाने के लिए थोड़ी मारना था, हो सकता है दिखाने के लिए, हो सकता है ड्रामा कर रहा है, ड्रामा, उसके बाद उसकी यादें चीजें चूजें जलाता है ताकि कोई बात, लेकिन उसको भगा भूल, क्या कहते हैं उसको, एविडेंस ना मिले, वो चीजें ना मिले, बाकी लेकिन उसके बाद रोने लग जाता है, सैड हो जाता है, पता नहीं क्या होता है, लेकिन लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा हैप्पी एंडिंग ही होगी, ऑब्वियसली हैप्पी एंडिंग होगी, लेकिन मुझे मूवीज डार्क कॉमेडी वैसे ज्यादातर सैड एंडिंग ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन देखते हैं इसमें क्या होता है। ट्रेलर अच्छा था थोड़ा, मुझे मैं उसको दूंगा 100% में से तो 50% दूंगा, मेरा भी 50%, इतना वो ट्रेलर नहीं था, लेकिन ट्रेलर पता नहीं मूवी कैसी होगी, लेकिन ट्रेलर तो डिसेंट ही था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गंदे ट्रेलर की मूवी भी अच्छी होती है और अच्छे ट्रेलर की मूवी भी गंदी होती है, तो वो हाउसफुल थी, हाँ हाउसफुल का ट्रेलर हमें इतना अच्छा लगा लेकिन मूवी नहीं अच्छी थी, तो वैसे ही दबंग 3 रेस 3, अच्छा सारे वो ट्रेलर जिन पर मैं व्यूज बड़े अच्छे आए हुए हैं, तो मेरा दिल थोड़ा सा दहल रहा है सूर्यवंशी की तरफ से, उसके भी अच्छे व्यूज आ गए, लेकिन मूवी अच्छी होनी चाहिए, सूर्यवंशी अच्छी होगी, सूर्यवंशी अच्छी होगी, गारंटी भाई से गारंटी लो, अच्छी होगी, अच्छी होगी, नहीं क्योंकि सिम्बा मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी अच्छी मूवी होगी, लेकिन सिम्बा भी बड़ी अच्छी मूवी थी, तो ऑब्वियसली सूर्यवंशी भी अच्छी होने वाली है, सो
भूत मूवी यार इतने दिन से हम लोग वेट अच्छा टाइम नहीं लग रहा. सो गाइस दैट यू नो दिस इज आवर ट्रेलर रिएक्शन ऑन सायरन स्क्रीन संदीप और पिंकी फरार जो कि फरार हो गए. हम देखते हैं वो कहां तक पहुंचते हैं. संदीप एंड पिंकी फरार इफ यू लाइक वॉचिंग आवर रिएक्शन प्लीज गिव अस अ बिग थम्स अप. इफ यू वांट टू सजेस्ट समथिंग और यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट दैट इन कमेंट सेक्शन बिलो. प्लीज लिख दिया करो जो दिल में आता है लेकिन अच्छा लिखा करो. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम स्नैपचैट ट्विटर टिकटॉक लाइक ही बेसिकली आई एम एवरीवेयर सिंपली सर्च NABLSSZ यू विल फाइंड मी. और इसे भी आप ढूंढ सकते हो. कहाँ ढूंढे तुम्हें? मेरा लिंक वैसे तो डिस्क्रिप्शन में लेकिन बहुत अच्छी वीडियोस लेके मैं एक दूसरे चैनल पे आता हूँ जिसका नाम ZSSWFAM है. वहाँ पे जा सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, घंटा भी जा सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो क्लिक हियर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. प्लीज क्लिक कर दो, प्लीज कर दो. इतनी वीडियो देख ली थे तक पहुंच के बगैर क्लिक किए जाने का फायदा नहीं है. और यहाँ पे वीडियोस के आइकन है, दो वीडियोस देख सकते हो आप. एंजॉय करो और क्लिक करो. बाय, टेक केयर, पीस.